बताइए कि आपके ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आप लोग अदलिया को इसलिए टारगेट कर रहे हैं ताकि इलेक्शंस को ज़्यादा से ज़्यादा आगे लेके जाया जा सके। देखें, पहली बात तो ये, इलेक्शन जो है आईन और कानून जो कहता है उसके मुताबिक होने चाहिए, लेकिन किसी की ख्वाहिशात के ताबे होके नहीं होने चाहिए। लाडलाइज़म ख़त्म होना चाहिए। ये क्या हुआ कि लाडला के आज मैंने असम्बलियाँ तोड़ दी हैं, किस बात पे तोड़ी हैं, किस वजूहात की बुनियाद पर तोड़ी हैं? अगर तुम्हें इतना ही है तो सिंध असम्बली से क्यों नहीं अपने लोगों को बाहर निकाल रहे? तो बात सिर्फ इतनी सी है कि किसी की ज़ाती ख्वाहिशात के ताबे होके नहीं चलना, जो कानून और आइन कहता है उसके मुताबिक चलना। एक बात मुझे बताइए, आपने कहा कि मज़ीद ऑडियोज़ भी आ रही हैं, अब मुझे पहले तो ये बताइए, आपने बड़ा जुरतमंदाना तरीके से कहा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगती है या नहीं लगती, तो फिर आप इतनी ब्रेवरी से ये भी बताइए कि आपको ये ऑडियोज़ ला के कौन दे रहा है, उनके नाम भी सामने आने चाहिए और आइंदा कौन ला के देगा वो भी बताइए। जो जो लेकर आ रहा है उसका नाम बिल्कुल सामने आना चाहिए, हमें तो खुद नहीं पता। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि इसकी फॉरेंसिक होनी चाहिए और अगर ये सच्ची हैं तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए।